ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे बनवाए। दोस्तों, मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं हिंदी मास्टर जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप ऑनलाइन घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जो भी आप यूज करते हैं उसमें यहाँ पर टाइप कीजिए परिवहन। गूगल में यहाँ पर आपको टाइप करना है परिवहन और इंटर मारना है। यहाँ पर देखिए जो सबसे पहली लिंक आपके सामने आ रही है parivahan.gov.in, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको विजिट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टैब आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑनलाइन सर्विसेज, और यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों देखिए आपके सामने वेबसाइट का पेज कुछ इस तरह से नजर आएगा। आप यहाँ से अपनी स्टेट चूज कर लीजिए, जो भी स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट यहाँ से चूज कर लीजिए। सभी स्टेट का यहाँ से ही ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। दोस्तों, आपके सामने स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पर आप राइट लेफ्ट साइड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ से चूज करना है लर्नर्स लाइसेंस। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर देखिए 6 स्टेप्स नजर आ रही होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहली स्टेप में हमारी एप्लीकेशन की डिटेल आपको फिल करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड करना है, फीस पेमेंट करना है, आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करना है, और यहाँ से दोस्तों आपको देखिए एलएल टेस्ट देना है और आरटीओ से अपॉइंटमेंट यहाँ पर आपको बुक करना है। दोस्तों, ये हमारी 6 स्टेप है, 6 स्टेप है यहाँ पर, और यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका कोई फॉरेन से डिप्लोमा हुआ है, यहाँ से आप पढ़ लीजिए। तो अगर आपका डिप्लोमा हुआ है तो यहाँ से चूज करिए, और डिप्लोमा अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ से ऐसे वैसे ही रहने दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर देखिए पहले नंबर वाले पर चूज करना है और यहाँ से सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेंट डिटेल फिल करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर इस फॉर्म के ऊपर भरना है आधार कार्ड के हिसाब से। तो चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ से अपनी स्टेट चूज कर लेनी है, जो भी स्टेट है आपकी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से अपना आरटीओ ऑफिस चूज करना है। आरटीओ ऑफिस यहाँ से अपना चूज कीजिए, नजदीकी आरटीओ ऑफिस। तो आप यहां पर देख सकते हैं पिन कोड यहां पर आपसे डाला नहीं जाएगा, तो इसे आपको यहां से खाली छोड़ देना है और सिंपली आपको अपने एप्लीकेंट की बेसिक डिटेल के ऊपर यहां पर आ जाना है। तो नेम ऑफ द एप्लीकेंट आपको यहां पर अपना नेम डालना है आधार कार्ड के हिसाब से। तो यहां पर आप अपना आधार कार्ड के हिसाब से देख देख कर नेम इंटर कीजिए। यहाँ पर कोई मिस्टेक मत करिए इस नेम के अंदर, क्योंकि ये नेम हमारा ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर प्रिंट होकर आता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नेम एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद फादर्स नेम आपको यहाँ पर देना है, रिलेशन में फादर्स चूज कीजिए, और यहाँ से आपको फादर्स नेम यहाँ पर आपका इंटर करना है। तो यहाँ पर फादर नेम इंटर कीजिए अपना, यहाँ पर कोई मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि ये जो नाम है हमारा वो ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर प्रिंट होकर आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी सिटी में आपका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, उस सिटी का नेम आप यहां पर इंटर कीजिए। तो हम यहां पर हमारी सिटी का नेम इंटर कर देते हैं। उसके बाद यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख आपको यहां पर अपनी इंटर करनी है। तो जो भी आधार कार्ड के ऊपर आपकी टीसी के ऊपर जन्म तारीख डाली हुई है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के ऊपर, वो जन्म तारीख आप यहाँ पर इंटर कीजिए। देखिए यहाँ पर एज आपकी ऑटोमेटिक बता देगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहां से अपना क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। तो क्वालिफिकेशन आपका जो भी हुआ है, 10+2, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, जो भी आपका हुआ है वो आप यहां से चूज कीजिए। तो हम यहां से क्वालिफिकेशन हमारा चूज कर लेते हैं। तो ये हमने यहां पर क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर अगर आपने खून की रिपोर्ट निकाली है तो उस पर आपको ब्लड ग्रुप आपका बताएगा। तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, वो जो भी आप यहाँ से चूज कर लीजिए या फिर ऑप्शनल के अंदर है। और ये फोन नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर,
ये भी ऑप्शनल के अंदर है, नहीं भी भरे तो चलेगा, जो ऑप्शनल के रहते हैं वो नहीं भी भरे तो चलता है। ईमेल आईडी भी यहाँ पर ऑप्शनल है, नहीं भी भरे तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं, ये मोबाइल नंबर हमारा कंपलसरी होता है, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना इंटर कर देना है। दूसरा कोई मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल होगा तो उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर इंटर कीजिए। और दोस्तों उसके बाद आप नीचे की तरफ जो देखेंगे मोबाइल आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये जो 1 2 आप देख रहे हैं, इसे बिल्कुल आपको खाली छोड़ देना है, इसके अंदर कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एड्रेस फिल करने का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, आप जो जगह पर रह रहे हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डाल देना है। प्रेजेंट एड्रेस यहाँ से आपको चूज़ कर लीजिए, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से चूज़ कीजिए, आपका ज़िला चूज़ कीजिए, यहाँ से आपका तालुका तहसील चूज़ कीजिए, यहाँ से आपका विलेज चूज़ कीजिए, जो भी आप विलेज में अगर रहते हैं तो विलेज यूज़ कीजिए चूज़ कीजिए यहाँ से। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपका कोई हाउस नंबर है तो वो यहाँ से हाउस नंबर डाल दीजिए, पिन कोड अगर आपके पास है तो पिन कोड यहाँ पर इंटर कीजिए। जो रेड कलर के आपको नज़र आ रहे हैं उसके अंदर आपको इंटर करना ही है। दोस्तों यहाँ से आप अभी कितने साल के हो चुके हैं वो यहाँ से इंटर कर देना है, और यहाँ से आपको महीना आपका इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस भी अगर आपका सेम है तो सिंपली यहाँ पर आपको टिक कर देना है, जो भी आपने इधर डिटेल भरी है वो डिटेल आपकी इधर फिल ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर हमने फिल कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अब आपको यहाँ से चूज करना है आपको कौन सी गाड़ी का यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चूज करते हैं मोटरसाइकिल विद गियर। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ये जो टिक आपको यहाँ पर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगा ऑप्शन मोटरसाइकिल विद गियर। तो यहाँ से आपको जो जो गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है सिंपली आप उस गाड़ी को चूज कीजिए यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू से, और सिंपली इधर आपको उसे राइट साइड के कॉलम में लेकर जाना ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम अभी सिलेक्ट करने वाले हैं LMVTR, तो हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं LMVTR हमें यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा। तो हम यहाँ पर देखिए LMVTR गुड्स, फोर व्हीलर का लाइसेंस अगर आपको बनवाना है तो LMVTR गुड्स आपको यहाँ पर चूज़ करना है। LMV NT अगर चूज़ करेंगे आप तो LMV NT आपका हो जाएगा नॉन ट्रांसपोर्ट, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनवा लीजिए। LMVTR गुड्स आपको यहाँ पर चूज़ अगर करते हैं आप तो आपको यहाँ पर LMVTR गुड्स मतलब ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो राइट साइड के अंदर आपके व्हीकल आ गई है, जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर आपने चूज करे है उस गाड़ी का लाइसेंस आपको यहाँ पर मिलेगा। फ्रेंड्स अगर आपने कोई ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी चलाना सीखी है तो आपको यहाँ से 2 नंबर वाले ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल, उस पर आपको टिक करना होगा यहाँ पर, और यहाँ से आपने जो भी गाड़ी सीखी है ड्राइविंग स्कूल से वो गाड़ी यहाँ से चूज करनी होगी। जैसे कि आप जानते हैं हमने यहाँ पर मोटरसाइकिल विद गियर और LMVTR गुड्स का यहाँ पर हम लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी चलाते वक्त तो आप अपने जो बॉडी के पार्ट से है वो अगर डोनेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए इस पर टिक कर सकते हैं, और अगर आप डोनेट नहीं करना चाहते हैं एक्सीडेंट होने के बाद आपके कोई पार्ट, तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ से खाली नहीं छोड़ना है, इसे आपको टिक करना ही है। अगर अगर आप नहीं टिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका आगे नहीं जाएगा। तो हम यहाँ से देखिए उस पर टिक कर देते हैं और सिंपली यहाँ से सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह से ऑप्शन आता है, तो आप यहां से इसे पढ़ लीजिए और ओके वाले बटन पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों यहां से फाइनल सबमिट होने के बाद एप्लीकेशन में कोई चेंजेस आपका नहीं होगा, आप इसे स्टेप बाय स्टेप पहले एप्लीकेंट डिटेल को यहाँ से देख लीजिए। तो दोस्तों सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते ही देखिए आपके सामने एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट आपकी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो इस एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट में आपका नेम होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर होगा जो कि आपको
हर वक्त ड्राइविंग लाइसेंस बने तक काम आएगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर थे एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट को प्रिंट आउट निकाल कर रखना है या फिर इसे पीडीएफ के अंदर सेव कर कर रखना है। तो अभी हम इसे पीडीएफ में सेव कर देते हैं। यहाँ से देखिए प्रिंटिंग में प्रीव्यू लोडिंग यहाँ पर हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ पर वेट कर लीजिए और यहाँ से हम इसे सेव कर कर रख लेते हैं। तो जहाँ पर भी आपको इसे सेव कर कर रखना है वहाँ पर आप फोल्डर बना लीजिए। हम यहाँ पर इसे डेस्कटॉप पर सेव कर कर रख देते हैं। तो डेस्कटॉप पर या फिर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये मेमोरी के अंदर आपको इसे सेव कर कर रख लेना है और बाद में इसकी प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। यहाँ पर से आप देख सकते हैं फॉर्म प्रिंट फॉर्म 1 और प्रिंट फॉर्म 1A। तो फ्रेंड्स आपको ये जो जितने भी फॉर्म आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इन सब की आपको प्रिंट आउट निकाल लेनी है। तो दोस्तों प्रिंट आउट निकालने के बाद आप चाहे तो यहाँ से इसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना अगर आपको आते हैं तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं आते तो सिंपली आपको ये जो फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म 1 और फॉर्म 1A इन सब की आपको प्रिंट आउट निकाल कर आपके नज़दीकी RTO ऑफिस में जाना है और वहाँ पर किसी को 50 रुपये 100 रुपये देकर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है और सिंपली फीस पेमेंट कर कर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का वहाँ पर टेस्ट दे देना होगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करिए। ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।